बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नजम हुसैन और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज जो हमारी वीडियो है जी टेक के रिलेटेड है, देखो टेक के रिलेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था वीडियो पे जो आप उसकी जो वीडियो की वॉइस क्वालिटी जो बढ़ाते हैं वो तरीक़ेकार बता दें, तो मैं वीडियो की वॉइस क्वालिटी को बढ़ाने का जो तरीक़ेकार वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी हमारे पास ऐप मौजूद है जी कपकैट, कपकैट को हमने ओके करना है, ठीक है जी। उसके बाद जब मैंने ओके किया तो यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड करके रखी हुई है जी, ये ज़ैनुल आबदीन की वीडियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीडियो को प्ले करेंगे, ये देखें, ये मैंने वीडियो को प्ले किया, ये आपका आवाज़ नज़र आ रही होगी कि मैंने अभी इस पर इफेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इफेक्ट किस तरह से लगाया, कहाँ से लगाया हुआ है, तो ये मैंने आपको तरीक़ेकार बताना है अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको हमने पॉज किया, उसके बाद मैंने जाना है जी, ये देखें नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे पहला नंबर आता है एडिट, दूसरे नंबर पे आता है जी ऑडियो, तीसरे पे आता है टैक्स, ओवरले, इफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आता है जी ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसे आगे जाना है, आगे इसके जाएंगे तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है जी यहाँ से एडिट को, एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो एडिट के बाद हमें ऑप्शन कुछ नज़र आएंगे यूज़, तो इस तरह का इंटरफेयर नज़र आएगा, यहाँ पे सेपरेट स्पीड, एनिमेशन स्टाइल, डिलीट, इनहेंस वॉइस, इनहेंस वॉइस को भी आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप करेंगे इस तरह से, इसको यहाँ से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा, लेकिन इंटरनेट होगा तो करेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हमें इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो चीज़ आपको समझाने का मकसद है वो आपको मैं समझाने लगा हूँ, क्योंकि हमें जो इस वक्त ज़रूरत है वो है जी यहाँ से देखें, ये पहला नंबर स्प्लिट आ जाता है, दूसरा नंबर स्पीड है, एनिमेशन है, स्टाइल है जी, उसके बाद डिलीट है जी, ये इनहेंस वॉइस है, इंसोलेट वॉइस है, रीटच है, कैमरा ट्रैकिंग है, वॉल्यूम है, ठीक है। इसी आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पे आता है ऑटो फ्रेम, एडजस्ट आता है जी, वीडियो क्वालिटी आता है, फिल्टर आता है, बेसिक आता है, रिमूव वीडियो आता है, ओवरले आता है जी, मास्क आता है जी, डुप्लीकेट आता है जी, रिप्लेस आता है जी, एक्सट्रैक्टिव ऑडियो आता है, ब्लू मोशन स्टेबलाइज आता है, उसके बाद कैपेसिटी आता है जी, रिवर्स फ्रीज, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आएगा जी वॉइस इफ़ेक्ट। तो हमारे काम की जो चीज़ है जी वो है वॉइस इफ़ेक्ट। वॉइस इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आपने रिड्यूस नॉइज़ पे जाना है, रिड्यूस नॉइज़ पे आप जाएंगे यहाँ से यूँ ऑप्शन ऑफ होगा, ठीक है, ये अभी मैंने आप खुद ऑफ किया कि ऑन था, तो ये ऑफ होगा तो इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। इसको अगर ऑन करेंगे तो ये इसके जो पीछे जो आवाज़ जो इसके पीछे जो आपको फालतू आवाज़ आती है ना, मतलब बंदे के बैकग्राउंड पर जो फालतू आवाज़ होती है, कोई पंखा चल रहा होता है या कोई और आवाज़ें होती हैं, ठीक है, कोई परिंदे शिंदे बोल रहे होते हैं, तो इसको हमने रिड्यूस नॉइज़ करेंगे तो वो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो ख़त्म होगी जी, उसके बाद हमने क्या करना है जी, वॉइस इफेक्ट पे जाना है, वॉइस इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है जी, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने जाना है बेसिक पे, बेसिक जब सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो छठे नंबर जो डब्बा है इसको आपने क्लिक करना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ डब्बा, क्योंकि अभी ये शो नहीं हो रहा, मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो इसलिए शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखा होगा जी वॉइस इफेक्ट वाला ऑप्शन होगा जी, यहाँ पे इको लिखा होगा, ठीक है, आपने इको के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, इको के ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये इंटरफेयर आएगा जो अभी आपके सामने शो है। तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि आपने जो इको की क्वालिटी है वो आपने रखनी है यहाँ से जी 40 पे, जो क्वांटिटी आपने रखनी है 40, नीचे जो स्ट्रेंथ है इसको आपने रखना है जनाब 50 पे, ठीक है जी, ये हो गया 50, ऊपर वाला 40, नीचे वाला 50, तो ये देखें आप आवाज़ कितनी स्मूथ आ रही है, ये आप चेक करें, ये आपका आवाज़ आ रही है जी, कितनी स्मूथ आवाज़ आ रही है, बिल्कुल लेवल है जी इसका, आवाज़ का जो लेवल है बिल्कुल क्लियर वॉइस नज़र आ रही है, और इसको इको भी सही शो हो रहा है। अगर इसको ज़्यादा इको देना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं, 70 का 61 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जी यहाँ पे 50 पे बिल्कुल ओके है, तो इसलिए मैंने इसको इतना इको दिया। अब मैंने इसको कर देना है जी यहाँ पे जाना है और ओके कर देना, ये मेरे सेलेक्ट हो गई है जी, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके का, तो मेरे भाई ये जो सिंपल तरीके का है, ये देखें आप, आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ, हटा
ये अब हो गए जी, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल जो है स्मूथ आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ क्लियर वॉइस और ज्यादा वॉइस में आ रही है, ठीक है। तो अगर आप उसके आवाज को और ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगा जी, क्योंकि आपको दोबारा से बताऊंगा, फिर आपने एडिट के ऑप्शन पे जाना है, एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे फिर दोबारा से आपने जाना है जी वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ से सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते करते जब देखते जाएं और आगे आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम पे जाएंगे तो यहाँ से आप वॉल्यूम की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 100 रखा हुआ था, अब मैं इसको कहाँ पे लेके जाता हूँ जी, ये 200 पे मैं रख देता हूँ, फर्ज करें 200 पे मैं इसको रख देता हूँ, 200 पे ये हो गया। आपके साथ शेयर किया कि आवाज की क्वालिटी को इको कैसे देना है, किस तरह से उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, ये मैंने आपको सिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये मेरे भाई के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो आज मैंने आपके साथ अपना वादा पूरा किया, तो आप भी मेरे साथ अपना वादा पूरा करें जो नाज़रीन मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान नजमुल हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।